हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर कुमार एंड आई एम वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी। मैं आप लोगों को फिर से अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आई होप मेरे सारे वीडियोस आप लोग रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, और जो मेरे वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो मेरे सारे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। मैं खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं जिनके लिए ये मैं सारा वर्क कर रहा हूं। ठीक है, अगर इन सारे वीडियोस को आप प्रॉपरली वॉच करिएगा स्टूडेंट्स, तो ये अभी तो मैं क्लास 9 के वीडियोस में देख रहा हूँ। लास्ट में मैंने मोशन चैप्टर से क्लास 9 के ही वीडियोस दिया था फिजिक्स से, और अभी मैं फिजिक्स से क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर से वीडियोस दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो आप इन चीज़ों को अभी आप लर्न करेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं आगे चल करके क्लास 10th में बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत मदद करेगा। सो स्टूडेंट्स, इन माई लास्ट वीडियो, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको वीडियो दिया था द वैल्यू ऑफ जी। जी का वैल्यू है ना, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये आपको मैंने डिराइव करके निकाला था। एंड नाउ टुडे आई एम हेयर विथ अ वेरी अनदर टॉपिक विच इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन, जब मैं मोशन का चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, तो मोशन के चैप्टर में मैंने सारे इक्वेशंस को प्रॉपरली सारे को एक एक करके डिराइव करके आपको बताया था, और अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्रेविटी। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने तीन इक्वेशंस को पढ़ा था। पहला वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हमने पढ़ा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमने पढ़ा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब चूंकि मैंने यहाँ देखो मेंशन क्या किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्रेविटी, मैंने यहाँ पर ग्रेविटी को मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ ए जो है विच इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, यहाँ एक के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, जी। ए इज रिप्लेस्ड बाई जी ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से यहाँ ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे जी वैल्यू से। तो अब आप देखोगे जब फर्स्ट इक्वेशन को, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो एक जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जी। तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू जी टी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फिर अगला देखेंगे आप लोग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, है ना। यहाँ क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस था। अब ए के जगह पे हमने क्या पुट किया, जी। ठीक है, तो ये हो गया टू जी एस। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, मैंने एस, एस का मतलब क्या बताया था, डिस्टेंस कवर्ड, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो डिस्टेंस हमने कवर किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को हम लोग कैरी करेंगे। तो जो डिस्टेंस यहाँ से जो भी एक पोजीशन हम लोग लेते हैं ऊपर की ओर, तो ये जो हो जाएगा, ये हाइट जो हो जाएगा ना, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर एस इक्वल टू हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, एच। तो अब ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके स्टूडेंट, और फिर यहाँ आप देखोगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना, एक जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, जी। तो अब ये हो गए यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ तक आप सभी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अब ये देखिए कुछ दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। अगर आप ये चीज़ नहीं समझे, तो ये सभी चीज़ों को बस आप सिर्फ एक फार्मूला के रूप में, एक सामने आप इनपुट के रूप में देखोगे, इसको आप लोग प्रोसेस नहीं कर पाओगे जब तक आप इसको बेहतर तरीके से समझ नहीं लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, सपोज डेट मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट अभी क्या कर रहा है, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उस समय इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है। योर फोर्स ऑल्सो अप्लाइड अपवर्ड, अब चूंकि मैंने जब उसको ऊपर की ओर थ्रो किया, यानी कि मैंने नीचे से उसको अपने तरफ से एक फोर्स दिया, ठीक है, और वो फोर्स भी जो है वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग डाउनवर्ड। अब लेकिन जो वस्तु को हमने फेंका, हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस लौट करके पृथ्वी की तरफ आती है, दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द
अर्थ। तो अब यहां पर उस मान लो कि जो पत्थर या गेंद मैंने फेंका है ऊपर की ओर, तो उस गेंद को क्या करेगा, पृथ्वी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। यानी कि यहां यह समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर वर्क कर रही है। अब अगर ग्रेविटेशनल वर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगी, सो द वैल्यू ऑफ जी विल बी निगेटिव। तो यहाँ पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो जी का वैल्यू होगा स्टूडेंट वो निगेटिव होगा, वो माइनस होगा। इसे ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ उसको, कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है एंड योर फोर्स ऑल्सो अप्लाइड अपवर्ड, और आपके द्वारा फोर्स भी जो है वो ऊपर की ओर है ना अप्लाई किया गया है, लेकिन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग डाउनवर्ड, लेकिन वहां पर क्या देखने के मिला कि उस ऑब्जेक्ट्स के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर लग रही है और वो जा रहा है ऊपर की ओर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, जी निगेटिव में कहलाएंगे, माइनस में, एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो। और एक पोजिशन पर जा करके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब हमने उसको फेंका ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एक प्रॉपर हाइट पे जाकर के वो वहां पर क्या होगी, स्टॉप होगी कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए वो वहां पर स्टे करती है, फिर वो डाउनवर्ड गिरना शुरू होती है। लेकिन जब वो उस पोजीशन पे स्टे करेगी तो उस दौरान इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो स्टूडेंट जीरो होगी। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट को, If object is coming downward, अब वहां क्या था, object ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन अब यहां क्या है, object नीचे की ओर आ रही है, and it means your force applied downward, और आपका भी force जो है वो उस दौरान नीचे की ही तरफ work कर रहे हैं, and the gravitational force is also working downward, और यहां पर देखा जाएगा कि जो gravitational force है वो भी कहां लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, so the value of g will be positive। तो यहां पर वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां देखिए क्या था, यहां वैल्यू ऑफ जी क्या था, निगेटिव था, इसलिए निगेटिव था क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है। लेकिन यहां सेकंड वाले ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वो सेम डायरेक्शन में नीचे की ओर है, तो एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव यू द स्टूडेंट्स टुडेज इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्रेविटी। आई होप आप सभी को ये टॉपिक पूरे तरीके से प्रॉपरली समझ में आएंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को, इस वीडियो को खास करके प्रॉपरली स्टार्ट टू एंड है ना जरूर वॉच करें। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू गिव यू द रिक्वेस्ट स्टूडेंट, प्लीज़ ट्राई टू शेयर माय दिस वीडियोस टू द अदर्स। आप अपने फ्रेंड्स में, आपके जो मित्र हैं जो आपके साथ में पढ़ते हैं, उन तक आप मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह मेरे वीडियोस से बेनिफिट ले सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड वेट फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।